हाउ डू एंजाइम फंक्शन फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड्स एट द एक्टिव साइट विद इन ए क्लेफ्ट और पॉकेट और डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द एक्टिव साइट दस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तभी एंजाइमेटिक एक्शन शुरू होता है. द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ए ट्रांजियंस फिनोमिना ड्यूरिंग दिस स्टेट. ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. सून द एक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑफ ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कंप्लीटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. देयर कुड हैव बीन मैनी अल्टर्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स बिटवीन द स्टेबल स्ट्रक्चर एंड द स्टेबल प्रोडक्ट्स बट दे वर अनस्टेबल. इन द फॉलोइंग ग्राफ एक्सप्लेनिंग द एंजाइम एक्शन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. देखें इस ग्राफ को ध्यान से समझें. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक तरफ है, पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ है. ओके, नाउ यू आर सीइंग हेयर टू ग्राफ. हेयर दो ग्राफ हम देख रहे हैं. सबसे ऊपर सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है और ये जो ग्राफ है हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर वाला ग्राफ सीधा यहाँ से यहाँ पर आया नीचे की तरफ. इसमें हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के हो रही है. इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है ये काफ़ी ट्रांजिशन स्टेट का लेवल काफ़ी ऊंचा है और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये रिएक्शन जो ऊपर वाला ग्राफ है बिना एंजाइम के हो रहा है. और हम देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर हम देख रहे हैं. इसके बाद जब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन हो रही है जिसमें हमने एक्टिवेशन विद एंजाइम, अब हमने एंजाइम डाला तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट है. एंजाइम के डालते ही यहाँ पर हमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट यहाँ तक प्रोडक्ट जो आया तो हम देख रहे हैं यहाँ जल्दी हमें ये ऑप्टेन हो गया. और यहाँ पर क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो लेवल था वो एंजाइम ने कम कर दिया, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल यहाँ पर कम हो गया, जिसकी वजह से फ्री एनर्जी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमें जल्दी यहाँ मिल गया. हम पहले वाले ग्राफ में देख रहे थे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हायर है जहाँ ट्रांजिशन स्टेट लिखा है, लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में एंजाइम नहीं डाला था तो इसीलिए वो ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला. लेकिन दूसरे ग्राफ में हमने एंजाइम को डाला तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिया और पोटेंशियल एनर्जी के कम होते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल गया. तो एंजाइम ने ये अपना एक्शन दिखाया. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन कैटेलाइज्ड एंड एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन. द एनर्जी लेवल ऑफ एस एंड पी कैन रिवील द नेचर ऑफ द रिएक्शन. इफ पी इज एट ए लोअर लेवल देन एस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देयर इज नो नीड फॉर एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी. इफ पी इज एट हायर लेवल देन एस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड नीड्स द एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी, बट एस हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. द डिफरेंस इज इन द एवरेज एनर्जी. Content between the S and the transition state is called activation energy. The enzyme bring down the activation energy and make the transition of S to
पी इज ईयर. ओके, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. द एंजाइम ई हैज़ ए सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल एंड हैंस ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट ई एस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एज द सबस्ट्रेट डिसोसिएट इन टू द प्रोडक्ट्स पी. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट ई पी कॉम्प्लेक्स. अल्टीमेटली द अनचेन्ड एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ई, यानी एंजाइम प्लस एस मतलब सबस्ट्रेट. यहाँ पर बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट, और यहाँ पर इसके ब्रेक होने पर ई पी यानी एंजाइम एंड प्रोडक्ट, और एंजाइम एंड प्रोडक्ट को भी जब अलग किया गया तो एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग. फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन टेम्परेचर. एंजाइम्स जनरली फंक्शन एट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो ये है एंजाइमेटिक एक्टिव एंजाइम एक्टिविटी एंड टेम्परेचर का ग्राफ. द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शो इट्स अ मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. बोथ बिलो द एबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एनर्जी द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस. एट अ लो टेम्परेचर द एंजाइम इज इनएक्टिव, वाइल द हाई टेम्परेचर द एंजाइम प्रोटीन इज डीनेचर्ड सो द एक्टिविटी इज लेस. नाउ इफेक्ट ऑफ पी एच एंजाइम. ईच एंजाइम हैज़ ए पर्टिकुलर ऑप्टिमम पी एच एट ए विच द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, एंड द चेंज इन द पी एच ऑफ द मीडियम एल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम एंड देयर वाई डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी. ये हो गया ग्राफ पी एच के लिए. तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड पी एच का ग्राफ यह आ गया. इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इंक्रीजेस, बट द रिएक्शन रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. This is because all the active site of the enzyme are occupied by the substrate molecule. The enzyme molecule are fewer than the substrate molecule, and after saturation there is no free enzyme molecule to bind to the substrate. मतलब ये है कि enzyme बिना substrate के यहाँ पर काम नहीं करता. अगर substrate का level concentration बढ़ा दी जाए तो enzyme की working activity बढ़ जाती है. The concentration of the substrate at which the half of the maximum velocity of the enzyme reaction is attained is called Km value for Michaelis constant. अभी हम देख रहे हैं ये आ गया हमारा effect of substrate concentration का graph. ठीक, इधर V max लिखेंगे, इधर substrate concentration लिखेंगे और ये graph बन जाएगा. अब आते हैं कोफैक्टर. एंजाइम में भी सिंपल एंजाइम्स मेड अप ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ओनली. व्हेन द एंजाइम हैज़ ए नॉन प्रोटीन मेयोटी अलोंग विद द पॉलीपेप्टाइड चेन इट इज कॉल्ड अ कंजुगेट एंजाइम और होलो एंजाइम. द प्रोटीन मेयोटी ऑफ ए कंजुगेट एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम. द नॉन प्रोटीन मेयोटी ऑफ ए कंजुगेट एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर. द कोफैक्टर मेक्स द प्रोटीन कैटालाइटिकली एक्टिव. देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोफैक्टर आइडेंटिफाइड. दे आर प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटेलिक आयन. देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बहुत आता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हाईली बाउंड टू द एपो एंजाइम टू मेक ए कैटालाइटिकली एक्टिव. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है उसी को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. एग्जाम्पल, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम परऑक्सीडेज एंड कैटेलाइज
एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कैटालेज ब्रेक डाउन हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। कौन? परऑक्सीडेज एंजाइम। तो यहाँ पर हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी तरीके से कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट आर बाउंड टू द एपो एंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिस्ट और लूज। कोएंजाइम सर्व एज ए को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ वेरियस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन। इसके एग्जाम्पल देखें, निकोटिनामाइड, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP। निकोटिनामाइड, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंटेन द विटामिन नियासिन। नाउ मेटल आयन, मैनी एंजाइम रिक्वायर फॉर देयर एक्टिविटी सर्टेन मेटल आयन्स। तो अभी हमने देखा यहाँ कि जो कोएंजाइम है उसके एग्जाम्पल है NADP और NAD। मेटल आयन देखें, मैनी एंजाइम रिक्वायर फॉर देयर एक्टिविटी सर्टेन मेटल आयन्स विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइट एज वेल एज वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल, जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये हमने देखा मेटल आयन का एग्जाम्पल हो गया जिंक, और कोएंजाइम का एग्जाम्पल हो गया NAD और NADP, और प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया हीम यानी आयरन का पार्ट जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। तो अभी हमने ये देखा, आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट द कोफैक्टर। अभी हमने इसमें देखा जैसे एपो एंजाइम का मीनिंग क्या है। देखिए, मैंने यहाँ आपको एपो एंजाइम बताया, ये है द प्रोटीन मायोटी ऑफ ए कंजुगेट एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ओके, द नॉन प्रोटीन मायोटी ऑफ ए कंजुगेट एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो अगर कोफैक्टर को डिफाइन करना हो सिंपल, तो हम ये कहेंगे द नॉन प्रोटीन मायोटी ऑफ ए कंजुगेट एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। और दूसरी तरफ एपो एंजाइम को अगर करना है तो द प्रोटीन मायोटी ऑफ ए कंजुगेट एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो ये हमने कर लिया, मैं समझता हूँ या आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। चैप्टर बहुत अच्छा है, इजीली लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसको मैंने रीड भी कर दिया है। इस हिसाब से आप वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स बना लें। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।